हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज का यह लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर में ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम EL 208 सब्जेक्ट कोड की यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम माइक्रोफोन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चूंकि साउंड के एप्लीकेशंस के लिए सिस्टम में कुछ बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए, जो जैसे कि ट्रांसड्यूसर, जो कि ओरिजिनल साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। यही इसका जो एक एग्जांपल हम देखें तो माइक्रोफोन है, और ग्रामोफोन कह सकते हैं हम। और दूसरा, साउंड के एप्लीकेशंस के लिए अगर एलिमेंट की बात करें तो एम्पलीफायर्स की ज़रूरत होती है, लाउड स्पीकर भी एक कंपोनेंट है। तो इन्हीं में आज का हमारा जो लेक्चर है वो है माइक्रोफोन के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, माइक्रोफोन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन इज अ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट्स साउंड प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी फेज एंड ऑफ सेम एम्पलीट्यूड्स इन द सेम प्रपोर्शन एज इन प्रेशर वेरिएशंस। मीन्स माइक्रोफोन वह ट्रांसड्यूसर है जो कि साउंड सिग्नल को सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज और सेम एम्पलीट्यूड के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो माइक्रोफोन है, इसके इनपुट में हमें साउंड वेव्स मिल रही हैं। इसके इनपुट में जैसे ही साउंड वेव्स आती हैं तो डायफ्राम के द्वारा इन साउंड वेव्स की वाइब्रेशंस को डिटेक्ट किया जाता है। डायफ्राम माइक्रोफोन का ही एक पार्ट है। इसकी जो थिकनेस और मटेरियल है, वो किस टाइप की साउंड वेव्स यहाँ पे इनपुट में आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज की जा सकती हैं। तो डायफ्राम के द्वारा जो डिटेक्टेड साउंड की वाइब्रेशंस हैं उन्हें फर्दर इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज करके जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो अब मिलेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि वोल्टेज वेरिएशंस या फिर करंट वेरिएशंस के फॉर्म में हो सकता है। तो इस टाइप से माइक्रोफोन के द्वारा जो इनकमिंग साउंड सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो माइक्रोफोन्स हैं उनकी क्वालिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो उनकी क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पे हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम इन्हें कहेंगे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी माइक्रोफोन की क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या क्या है? सेंसिटिविटी, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स, डिस्टॉर्शन, डायरेक्टिविटी, आउटपुट इम्पिडेंस, इनके द्वारा हम किसी भी माइक्रोफोन की क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो सेंसिटिविटी क्या होती है? इट इंडिकेट्स हाउ मच वीक साउंड सिग्नल इज डिटेक्टेड बाय माइक्रोफोन। मीन्स किसी भी माइक्रोफोन के द्वारा कितना वीक साउंड सिग्नल डिटेक्ट किया जा सकता है, या फिर हम कहें कि कोई भी माइक्रोफोन कितने अच्छे प्रकार से साउंड प्रेशर वेरिएशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर पाता है। इट इज डिफाइंड एज आउटपुट ऑफ माइक्रोफोन इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट फॉर द साउंड प्रेशर इन टर्म्स ऑफ 0.1 पास्कल एट 1000 हर्ट्ज़। मीन्स 1000 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे अगर कोई साउंड इनपुट साउंड सिग्नल है, वो भी 0.1 पास्कल या फिर 1 माइक्रो बार की टर्म्स में, तो उसके लिए कोई भी माइक्रोफोन कितना इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिली वोल्ट्स की टर्म में जनरेट करेगा। तो ये जो एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है, इसे ही माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी के द्वारा डिफाइन किया जाता है। जैसे कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड में साउंड प्रेशर को 1 पास्कल या फिर 10 माइक्रो बार के लिए सेंसिटिविटी द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो चूंकि नॉर्मल जो स्पीच साउंड है उसका प्रेशर होता है 0.1 पास्कल, तो सेंसिटिविटी को डिफाइन करने का जो ये क्राइटेरिया है, ये इसे हम मोर अप्रोप्रिएट कह सकते हैं। ए हाई सेंसिटिविटी माइक्रोफोन क्रिएट्स मोर वोल्टेज एंड सो नीड्स लेस एम्पलीफिकेशन एट द मिक्सर और रिकॉर्डिंग डिवाइस। चूंकि कोई भी हाई सेंसिटिविटी माइक्रोफोन अगर है, मीन्स कोई भी माइक्रोफोन जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उससे हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, तो उसके लिए एम्पलीफिकेशन की जो नीड है वो कम होती है। नेक्स्ट है SNR, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सम नॉइस इज जनरेटेड इन माइक्रोफोन ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड बिल्ट इन ट्रांसफॉर्मर। मीन्स माइक्रोफोन के अंदर सर्किट के रेजिस्टेंस और जो इनबिल्ट ट्रांसफॉर्मर सर्किटरी है उसकी वजह से कुछ नॉइस जनरेट हो जाती है, जिसे हम सेल्फ नॉइस कहते हैं।
तो इससे इस नॉइस को जो है वो साउंड प्रेशर लेवल की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, मींस जो माइक्रोफोन की इलेक्ट्रिकल सर्किटरी की वजह से जो नॉइस जनरेट हुई है उसे हम किसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, SPL। जो जनरली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नॉइस को अकेले बताने के बजाय सिग्नल टू नॉइस रेशियो को बताते हैं, मींस रिलेटिव नॉइस कंपेरेटिव टू सिग्नल क्यूट किया जाता है। तो ये जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है इसे कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो जनरली साउंड सिग्नल की एब्सेंस में माइक्रोफोन के आउटपुट को बताता है। तो किसी भी शांत वातावरण में अगर हम माइक्रोफोन का नॉइस आउटपुट मेजर करें तो उससे SNR को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो SNR को की सिग्नल टू नॉइस रेशियो की डेसिबल में अगर हम फॉर्मूला देखें तो किस प्रकार दिया जा सकता है, 20 log आउटपुट इन प्रेशर ऑफ साउंड डिवाइड बाय आउटपुट इन एब्सेंस ऑफ साउंड, क्योंकि सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो साउंड सिग्नल की एब्सेंस में माइक्रोफोन का आउटपुट है। और किसी भी माइक्रोफोन की डायनेमिक रेंज कैसे निकाल सकते हैं हम, द डायनेमिक रेंज ऑफ माइक्रोफोन इज ए मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लाउडेस्ट एंड द क्वाइटेस्ट SPLs टू विच द माइक्रोफोन रिस्पॉन्ड्स लीनियरली। मीन्स सबसे लाउडेस्ट और सबसे जो क्वाइटेस्ट मीन्स शांत जो साउंड प्रेशर लेवल है जिसके लिए कि माइक्रोफोन का जो रिस्पॉन्स है वो लीनियरली होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोन की डायनेमिक रेंज। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स, मीन्स किसी भी माइक्रोफोन के लिए फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए और किस रेंज में होना चाहिए, मीन्स स्टैंडर्ड माइक्रोफोन के लिए किस टाइप का होता है और किसी भी हाई फिडेलिटी ऑडियो सिस्टम के लिए किस टाइप का फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स होता है और किस रेंज में होता है, तो उसे हम डिस्कस करते हैं। तो यदि साउंड वेव की कम्प्लीट ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज 20 Hz to 20 kHz है तो उसके लिए हम फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तो माइक्रोफोन की फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स को 1000 Hz फ्रिक्वेंसी पर आउटपुट के +-1 dB के साथ माइक्रोफोन के आउटपुट की ऑडियो फ्रिक्वेंसी की बैंडविड्थ के द्वारा डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन विच गिव्स फ्लैट रेस्पॉन्स विद इन +-1 dB फॉर फ्रिक्वेंसी 40 Hz to 15,000 Hz इज कंसिडर्ड गुड फॉर हाई फिडेलिटी ऑडियो सिस्टम्स, मीन्स किसी भी हाई फिडेलिटी ऑडियो सिस्टम के लिए किस टाइप का फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स दिया जाना चाहिए माइक्रोफोन के द्वारा, तो वो है कि माइक्रोफोन के द्वारा +-1 dB एम्पलीट्यूड के लिए 40 Hz to 15,000 Hz फ्रिक्वेंसी रेंज में फ्लैट रेस्पॉन्स दिया जाना चाहिए, किसके लिए, हाई फिडेलिटी ऑडियो सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है लोअर बैंडविड्थ ऑफ 80 Hz to 8,000 Hz इज एक्सेप्टेबल फॉर नॉर्मल माइक्रोफोन। दूसरी साइड ये है कि किसी भी नॉर्मल माइक्रोफोन के लिए या फिर किसी स्टैंडर्ड माइक्रोफोन के लिए 80 Hz to 8,000 Hz जो फ्रिक्वेंसी रेंज है या जो बैंडविड्थ है उसमें में जो माइक्रोफोन जो फ्लैट रिस्पॉन्स देता है वो एक्सेप्टेबल होता है। तो ये जो लोअर और हाई फ्रिक्वेंसी की लिमिटेशन है ये किस वजह से है, ये है मास ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम की वजह से। और मास ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम जो है वो इज इक्विवेलेंट टू इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दिस मास कॉजेज अटेंशन एट हाई फ्रिक्वेंसीज एंड कॉम्प्लियंस एट लो फ्रिक्वेंसीज। इसे हम फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो मास है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट होता है और जो कॉम्प्लियंस है स्प्रिंग का कॉम्प्लियंस है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 1/ कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट होता है। तो जो मास की वजह से हाई फ्रिक्वेंसी पे अटेन्यूएशन होता है और कॉम्प्लियंस की वजह से लो फ्रिक्वेंसी पे अटेन्यूएशन होता है, तो इसी की वजह से ये जो लो और हाई फ्रिक्वेंसीज की लिमिटेशन है। इसे हम फ्रिक्वेंसी किस टाइप से दी जाएगी, जैसे कि 1/ चूंकि हम जानते हैं 1/2 π√LC है, तो यहाँ पे अगर हम इसे मास और कॉम्प्लियंस से रिप्लेस करें तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होगा 1/2 π√KM। ऐसा जनरली मूवेबल पार्ट्स की वजह से भी होता है, क्योंकि मूवेबल पार्ट्स की कुछ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है और वो जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो इस रेंज से बाहर होनी चाहिए। चूंकि इन मूवेबल पार्ट्स की वजह से जनरली माइक्रोफोन में नॉइस भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन।
फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन के अलावा भी माइक्रोफोन में दो प्रकार के डिस्टोर्शन होते हैं। फर्स्ट है नॉन लीनियर डिस्टोर्शन, सेकंड है फेज डिस्टोर्शन। तो नॉन लीनियर डिस्टोर्शन क्या होता है? इट इज़ क्रिएटेड बाय डिस्टोर्टेड हार्मोनिक्स इन एम्पलीट्यूड। मीन्स नॉन लीनियर डिस्टोर्शन जो है वो ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को डिस्टोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आउटपुट में ऐसे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि इन साउंड इनपुट में प्रेजेंट ही नहीं थे। मीन्स एम्पलीट्यूड को कम्प्लीटली ये डिस्टोर्ट कर देता है। फॉर क्वालिटी माइक्रोफोन या फिर हम कहेंगे किसी भी अच्छे माइक्रोफोन के लिए नॉन लीनियर डिस्टोर्शन जो है 5% से कम होने चाहिए। और किसी हाई फिडेलिटी माइक्रोफोन की अगर हम बात करें तो वो इसके लिए डिस्टोर्शन 1% से भी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है फेज डिस्टोर्शन। ये क्या होता है? फेज डिस्टोर्शन में को चेंज ऑफ फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स साउंड वेव। मीन्स फेज डिस्टोर्शन का जो मेन रीजन है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स साउंड वेव के कंपोनेंट्स के मध्य डिफरेंट फेजेस में जो चेंज होता है उसकी वजह से ये फेज डिस्टोर्शन होता है। मीन्स अगर इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप अगर सेम फेज में नहीं है तो उसे हम फेज डिस्टोर्शन कह सकते हैं। इट हैपन्स व्हेन मल्टीपल माइक्रोफोन आर यूज्ड विद डिफरेंट पाथ ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। मीन्स अगर हम एक से ज़्यादा माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो साउंड सोर्स है उसके सापेक्षित जो फेज में डिफरेंस आता है उसी की वजह से फेज डिस्टॉर्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिविटी। किसी भी माइक्रोफोन के लिए डायरेक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो किसी भी माइक्रोफोन की डायरेक्टिविटी को पोलर डायग्राम से डिफाइन किया जा सकता है। द एंगल फॉर हाफ पावर पॉइंट इज इन पोलर डायग्राम इज कॉल्ड एज डायरेक्टिविटी। तो इस पोलर डायग्राम में जो हाफ पावर पॉइंट एंगल है उसे ही डायरेक्टिविटी कहा जाता है। इट शोज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड रिसेप्शन बाई माइक्रोफोन। मीन्स माइक्रोफोन के द्वारा किस डायरेक्शन में सिग्नल रिसीव किया जाता है उसे उसकी डायरेक्टिविटी कहा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में अगर हम माइक्रोफोन प्लेस करते हैं तो डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं वो इस टाइप से रिसीव किए जाते हैं। मीन्स ये इस टाइप का ये एक पैटर्न है जिससे कि माइक्रोफोन सिग्नल रिसीव कर रहा है। तो ये इसे हम रेडिएशन पैटर्न या फिर डायरेक्शनल पैटर्न कह सकते हैं उस माइक्रोफोन का। इसे मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डी इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई ई नोट। जब डी जो है वो डायरेक्टिविटी है और ई जो है वो है एक्चुअल आउटपुट इन डायरेक्शन फॉर मैक्सिमम आउटपुट। मीन्स अधिकतम आउटपुट की दिशा में जो एक्चुअल आउटपुट है उसे वो ई के द्वारा प्रदर्शित है। और ई नोड यहाँ पे क्या है? ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन का आउटपुट। तो डायरेक्टिविटी का मैथमेटिकली किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? डी इक्वल्स टू ई बाई ई नोड। मीन्स किसके रेस्पेक्ट में हम डायरेक्टिविटी डिफाइन करते हैं? ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन की आउटपुट के रेस्पेक्ट में। माइक्रोफोन के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शनल पैटर्न्स क्या हो सकते हैं? तो ये तीन टाइप के पैटर्न माइक्रोफोन के हो सकते हैं। जो फर्स्ट है ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न, माइक्रोफोन जिसका पैटर्न ओमनी डायरेक्शनल होगा वो माइक्रोफोन से हम कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन। इसे प्रेशर माइक्रोफोन भी कहा जाता है। तो या फिर हम कह सकते हैं कि सभी जो प्रेशर माइक्रोफोन्स हैं उनका रेडिएशन पैटर्न या फिर डायरेक्शनल पैटर्न कैसा होता है? ओमनी डायरेक्शनल। तो ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न में क्या होता है कि जो माइक्रोफोन है उसका इस टाइप का, जैसे कि ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न में सर्कुलर इस टाइप से होता है, तो माइक्रोफोन इस केस में सभी डायरेक्शन से जो है वो इक्वल साउंड रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है बाई डायरेक्शनल पैटर्न। मीन्स जिन माइक्रोफोन के लिए डायरेक्शनल पैटर्न बाई डायरेक्शनल होता है उन्हें हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन, जैसे कि रिबन माइक्रोफोन। ये 8 के फिगर में, ये पैटर्न जो है वो 8 के फिगर में होता है, इसलिए इसे फिगर ऑफ 8 भी कह सकते हैं हम। इसमें माइक्रोफोन जो है वो दो डायरेक्शन से साउंड रिसेप्शन करता है। नेक्स्ट है कार्डियोइड पैटर्न, तो या फिर कहें कि हार्ट शेप्ड पैटर्न। तो जिन माइक्रोफोन के लिए इस टाइप का डायरेक्शनल पैटर्न होता है उन्हें हम कह सकते हैं माइक्रोफोन कार्डियोइड माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है प्रेशर और रिबन माइक्रोफोन्स का। मीन्स जो कार्डियोड पैटर्न है वो ओमनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल है जो है वो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ही है।
नेक्स्ट है आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के आउटपुट इम्पीडेंस को ओम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका क्या यूज़ है? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ मैचिंग ट्रांसफार्मर वुड बी नीडेड टू ट्रांसफर द पावर एफिशिएंटली फ्रॉम माइक्रोफोन टू ट्रांसमिशन लाइन एंड देन टू द एम्पलीफायर। यह एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी माइक्रोफोन के लिए, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि हमें किस टाइप के मैचिंग ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है ताकि माइक्रोफोन से ट्रांसमिशन लाइन और उसके बाद एम्पलीफायर तक पावर को एफिशिएंटली ट्रांसफ़र किया जा सके। कुछ माइक्रोफोन्स जैसे कि डायनेमिक माइक्रोफोन्स में जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो कुछ ओम ही रखते हैं, मीन्स कम रखते हैं, ताकि जो हम काम में ले रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका यूज़ जो है वो मैच लाइन इम्पीडेंस के लिए कर सकें। और इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एंड माइक्रोफोन शुड गेट मैच टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए माइक्रोफोन की इम्पीडेंस और माइक्रोफोन की जो सर्किटरी है उसकी इम्पीडेंस वो है वो मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट है किसी भी अच्छे माइक्रोफोन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट है हाई सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, हाई सिग्नल टू नॉइस रेशियो, सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स और मोस्ट ऑफ द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, मीन्स लगभग कंप्लीट ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए फॉर प्लस माइनस 1 डेसिबल एम्पलीट्यूड के लिए। नेक्स्ट है नेचुरल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आउटसाइड ऑडिबल रेंज, मीन्स नेचुरल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो ऑडिबल रेंज के बाहर होनी चाहिए। ऑडिबल रेंज जो कि 20 Hz to 20 kHz है उसकी बाहर नेचुरल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी लाई करनी चाहिए। वेरी लो डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट माइक्रोफोन की डायरेक्टिविटी इस टाइप से होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कार्य हो पाए। नेक्स्ट है कि करेक्ट आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस करेक्ट होनी चाहिए। इसे हम इम्पीडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोफोन को हम 3 टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लो इम्पीडेंस, मीडियम इम्पीडेंस, हायर इम्पीडेंस। तो लो इम्पीडेंस माइक्रोफोन कौन से होते हैं? रिबन और मूविंग कोइल माइक्रोफोन। इसके लिए रेंज होती है इम्पीडेंस की कुछ ओम से 50 ओम तक। तो चूंकि ये लो इम्पीडेंस माइक्रोफोन है तो इसके लिए इम्पीडेंस को बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की नीड होती है। नेक्स्ट मीडियम इम्पीडेंस, मीडियम इम्पीडेंस वाले माइक्रोफोन होते हैं कार्बन माइक्रोफोन, जिनकी रेंज होती है 100 से 600 ओम तक। नेक्स्ट हायर इम्पीडेंस, हायर इम्पीडेंस माइक्रोफोन होते हैं क्रिस्टल और कैपेसिटर माइक्रोफोन्स। तो ये जो माइक्रोफोन्स हैं, चूँकि ये हायर इम्पीडेंस माइक्रोफोन है, इसकी इम्पीडेंस रेंज होती है 750 kΩ से किलो ओम या फिर उससे भी ज़्यादा। तो इन हायर इम्पीडेंस माइक्रोफोन्स की में मैचिंग के लिए एमिटर फॉलोअर की नीड होती है। तो इस प्रकार किसी भी अच्छे माइक्रोफोन में ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आज का ये लेक्चर था हमारा माइक्रोफोन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।